ये रेसिपी है कोल्ड सैंडविच की, जो हम एयरपोर्ट या रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। बहुत ही इजी, क्विक और लाइट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है ये। शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं तो बनाकर इसको रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक चटनी बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप धनिया के पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्ची, साथ में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच मूंगफली के दाने और आधे नींबू का रस, और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसको बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। यहाँ पे पानी बहुत ही कम डालना है क्योंकि चटनी को हमें गाढ़ा रखना है, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम पीस लेंगे। तो जो सैंडविच हम बना रहे हैं ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसके बेस में हम कोई मेयोनीज वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चटनी रेडी कर लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से गाढ़ी चटनी हमने तैयार कर ली है। अब इसके स्टफिंग के लिए हम लेंगे हंकर्ड। तो हम 4 से 5 बड़ा चम्मच हंकर्ड लेंगे, और हंकर्ड बनाने के लिए दही को किसी पतले कपड़े में डालकर इसको आधे घंटे के लिए टांग करके छोड़ दीजिए। इससे इसका पानी निकल जाएगा और दही गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ, और सब्जियों को हमें बिल्कुल फाइन काट करके डालना है। आप चाहे तो उसको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो सब्जियाँ आपको जो भी पसंद है उसको डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे गाजर, खीरा, पत्ता गोभी और जो येलो वाली शिमला मिर्च होती है उसको डाला है। आप चाहे तो उसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, बीटरूट भी डाल सकते हैं, बस सभी को बारीक काट करके डालना है। फिर इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, साथ में डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च या काली मिर्च का पाउडर, तो आधा चम्मच काली मिर्च डाल दी है। फिर इसमें डाल देंगे नमक, और आपके पास अगर सीजनिंग या ऑरिगेनो है तो उसको भी डाल दीजिए, या फिर उसके बदले चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाला है, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सैंडविच वाली स्टफिंग तैयार है। बहुत ही टेस्टी होता है ये, और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें डली सभी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं। तो अब चलिए हम सैंडविच तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड लिया है, और जो चटनी हमने शुरुआत में बनाई थी उसको सभी ब्रेड के ऊपर इस तरह से इवनली स्प्रेड कर देंगे। इस स्टफिंग को बना करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी कोई फटाफट से नाश्ता बनाना हो तो इसे ब्रेड में लगा करके सैंडविच बना लिया। और आप चाहें तो ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं उसको थोड़ा सा साइड से काट सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही यूज़ किया है। तो चटनी को स्प्रेड करने के बाद जो स्टफिंग हमने बनाई थी उसको अच्छे से ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे सब्जियों को हमने एकदम बारीक काटा था, इसलिए दही के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो जब भी फटाफट से कुछ नाश्ता बनाना हो, शाम को भूख लगे, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो एक ब्रेड पे हम स्टफिंग को लगा देंगे और दूसरे ब्रेड से इसको कवर कर देंगे। और इसमें कोई कुकिंग भी नहीं है, इस तरह से बना करके आप इसको तुरंत सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको कवर कर दिया है। अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे, इस तरह से डायगोनली इसको कट कर लेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और सैंडविच तो सभी को पसंद है, तो आपकी कौन सी फेवरेट सैंडविच है वो नीचे कमेंट करके बताएं। तो मैंने इसको कट कर लिया है, और आप देख सकते हैं फिलिंग कितने अच्छे से स्प्रेड है इसके अंदर। मैंने इसको शाम के नाश्ते में बनाया था, और मेरे घर में तो ये सभी को बहुत पसंद आया। हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, और इसमें कोई कुकिंग भी नहीं है। तो एक बार इस रेसिपी से आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें, और ट्राई करने के बाद आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।